नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ICT मीडिया। मैं संदीप तवर। जैसा कि हमने बताया था, महेंद्रगढ़ जिले की हर खबर से हम आपको रूबरू करवाएंगे। आज हम मुदा आश्रम मंदिर वाला जो रास्ता है, जो देवास गांव को आता है, उस रास्ते पर हम आज मौजूद हैं और यहां पर एक ऐसी टीम से हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जो टीम पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ में निरंतर कार्य काफ़ी वर्षों से कर रही है। आज इस टीम से हम आपका परिचय करवाएंगे कि ये जो टीम है, आज इनका क्या उद्देश्य था जो आज इन्होंने यहाँ पेड़ लगाया है, और पेड़ लगाकर इसके बावजूद यहाँ इन्होंने इसकी जो रेख देख है वो एक मजबूती से की हुई है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हो, तार लगाकर और फिर तार के ऊपर फिर से डबल तार किए हुए हैं। तो आज हमारे साथ ये टीम बनी हुई है, टीम से हम आपका परिचय करवा रहे हैं। मेरे साथ जो टीम के संचालक हैं वो बने हुए हैं। सर, ICT मीडिया में स्वागत है आपका। हाँ, जैसा कि ICT मीडिया का आभार इस कार्य पुनीत कार्य के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक जो है, क्योंकि कहते हैं कि भाई पौधे लगाने मात्र से काम नहीं चलेगा, अब समय ये आ गया है कि भाई इनकी सुरक्षा की भी गारंटी हो। क्योंकि जो चीज़ जो हमारे जीवन से सीधी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जीवन संभव नहीं है, और उसको हम इस तरह करें कि चलो भाई वन महोत्सव आ गया, पौधे लगा लेते हैं, तो बाकी जो प्रयास श्री बालाजी जनहित संगठन है, उसने इस मुहिम को शुभ अवसरों से जोड़ा है, जन्मदिन से, सालगिरह से, इस तरह के अवसरों पे करके, और ये पौधारोपण करवाते हैं ताकि ये इनकी सुरक्षा भी जो जिस अवसर पे लगाने वाला है वो कर पाए। तो जब बात की जाए, जो आपकी संस्था है प्रयास बालाजी के नाम से, उस संस्था अभी तक कितने पेड़ लगा चुकी है? देखो, जैसे मोटिवेशन से अगर बात करें तो मोटिवेशन से तो अगर चेन से चेन जुड़ी हुई है, लगभग इस मुहिम में लाखों पौधे लग गए, मतलब लाख के आसपास। बाकी जो संस्था है वो 50,000 से ऊपर संस्था इंडिविजुअल लगा चुकी है, संस्था के सदस्य लगा चुके हैं, और उनमें हजारों पौधे हैं वो पेड़ बन चुके हैं, और बाकी जो है वो पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। जो आज जिन्होंने ये पेड़ लगाया है, इस पेड़ की जिन्होंने रेख देख के जिम्मेदारी ली है, वो भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी हम आपका परिचय करवा रहे हैं। सर, ICT मीडिया में आपका स्वागत है। ICT मीडिया का आभार। तो सर, आज जो आपने ये पेड़ लगाया है, किस उद्देश्य से आज आपने ये पेड़ लगाए हैं और इसकी सुरक्षा की गई है, जैसा कि जिम्मेदारी आपने ली है इस पेड़ की, तो ऐसी क्या भावना आई जो आपको इस रास्ते पे, सुनसान रास्ते पर ही पेड़ लगाने का क्या भावना प्रेरणा हुई आई आपने? ये हमारे साथी, हमारे दोस्त गुरुजी मनोज जी मेघनवास हैं, जो बालाजी जनहित संगठन प्रयास संगठन चलाते हैं। हम उनकी देख रेख में, उनसे प्रेरणा लेकर ये पर्यावरण के साथ पेड़ पौधों का काम काफ़ी सालों से कर रहे हैं। लगभग 8-10 सालों से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मनोज मेघनवास जी, अनूप रिवासा जी, अनेश ईगड़ा, योगेश माजरा और हमारी टीम के काफ़ी सदस्य हैं, जो जब जब भी इनको टाइम मिलता है, मौका मिलता है, तो ये पर्यावरण के प्रति सजग रहते हैं। और पर्यावरण के प्रति ही नहीं, चाहे वो देश राष्ट्र हित के लिए कोई भी बातें हो, चाहे अपने शहीदों को याद करना या उनके बलिदान पर मतलब लोगों में प्रेरणा करना, चाइनीज सामान बहिष्कार मंच भी इन्हीं टीम ने बनाया था, और ये हर जगह जहाँ भी हो जागरूक करती है, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो चाहे कोई और बात। आज इस पेड़ को ये पेड़ लगाने का सुनहरी अवसर आया है, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो इसके उपलक्ष्य में भी मैं एक यादगार मेमोरियल के रूप में इसको लगा रहा हूँ। और इसको लगाने का उद्देश्य भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रेरणा लें और अपने बच्चे के जन्मदिन पे, शादी की सालगिरह पे, या किसी भी याद पे पेड़ का रोपण करके, पौधे का रोपण करके पर्यावरण में सहयोग करें और आने वाली समाज राष्ट्र को एक मजबूत और स्वस्थ नीम दे। जैसा कि इन्होंने बताया, आज इनकी शादी की सालगिरह है, हमें समाज में देखने को मिलता है कि बहुत से लोग जन्मदिनों पर और विवाह शादियों की सालगिरह पर वो एक बेफजूली खर्चा करते हैं। जो आज इन्होंने हमारे साथ बने हुए थे देवास गांव से, जो मनोज जी हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि आज उनकी सालगिरह पर उन्होंने ये पुनीत कार्य किया है। तो इस कार्य से जो आज की युवा पीढ़ी है, उनको देखकर इस कार्य से कुछ न कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। और जैसा कि हमने बताया था, क्षेत्र की हर खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, और बहुत ही जल्द ICT मीडिया की टीम आपके गांव में पहुंच रही है, और गांव में पहुंचकर
जो गांव के विकास कार्य होते हैं, जो सरपंच के कार्यकाल में जो भी विकास कार्य हुए हैं, उन कार्यों से हम आपको रूबरू करवाएंगे सरपंचों के 5 साल का।